सीतामढ़ी माँ सीता के जन्मभूमि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में हम हैं, और यहाँ पे जो रूनी सैदपुर विधानसभा है उस विधानसभा में हम अभी पहुँचे और यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। चिलचिलाती धूप है और वैसे में जो मतदाता हैं पूरे उत्साह में कतार में खड़े हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक एक मतदाता मतदान केंद्र पे पहुँच रहे हैं, अपनी बारी के इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी पर्ची के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता, सभी सीधे तौर पे कतार में दिख रहे हैं और यहाँ पे जो मतदाता है वो पूरे उत्साह में दिख रहे हैं। और कई ऐसे वोटर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस इलाके में क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे के साथ लोग मतदान केंद्र पे पहुँचे हैं। सभी जो वोटर हैं वो किस तरीके से इस चिलचिलाती धूप में सीतामढ़ी में क्या मुद्दा रहा, उस मुद्दे के साथ पहुँचे हुए हैं। नौजवान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, हर तबके के जो वोटर हैं वो पहुँचे हुए हैं। सब अपने अपने मुद्दे के साथ हैं और सब चिलचिलाती धूप में कैसे जो इस धूप से बचने का जुगत में लोग लगे हुए हैं। तेज चिलचिलाती धूप है, गमछी का सहारा, कपड़े का टुकड़ा है उसका सहारा लिया जा रहा कि किस तरह धूप से बचा जा, लेकिन उत्साह कम नहीं हो रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम पहली बार वोट करने आए हैं? हाँ, पहली बार है। कितनी उत्साह है? मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। धूप में भी खड़े हैं? धूप में खड़े मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या लग रहा है सद्दाम के लिए? क्या लगता है कि सीतामढ़ी में किस तरीके का मुद्दा हुआ था जिस पे चुनाव के लिए जो नेता जो प्रत्याशी मैदान में थे, और अब सद्दाम जब मतदान केंद्र पहुंचे तो क्या जहन में था, किस मुद्दे के साथ वो मतलब अपने मत का प्रयोग करेंगे? हमको कुछ मुद्दा क्या रहा चुनाव में? ठीक ठाक है। ठीक ठाक। आपको क्या लगता है? जी, मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। संजीत, क्या मुद्दा रहा? सर, सबसे पहले कि दो प्रकार के मुद्दा होता है, एक तो जो राष्ट्रीय लेवल पे है, एक क्षेत्रीय लेवल पे है। तो हम लोग क्षेत्रीय लेवल पे भी सोचते हैं और राष्ट्रीय लेवल पे भी सोचते हैं। तो राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारा ऐसी घटनाएं घटी, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन की मुद्दा हो, चाहे तरह तरह के बहुत सारे नेता इस मुद्दा को उठाए। और क्षेत्रीय है जो हम लोग का बिहार जो है अभी बहुत ही पिछड़ा है और यहाँ अभी उस ढंग से कोई काम हुआ नहीं है। तो हम लोग का मेन मुद्दा था कि यहाँ का प्रत्याशी किस ढंग का है, उसके अनुसार हम लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, प्रत्याशी किस तरीके के हो उस मुद्दे के साथ वोट करेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दा रहा सीतामढ़ी। ये सर, सर से बात। यह मुद्दा मोदी जी का है। मुद्दा मोदी जी हैं? मोदी जी हैं। आपको क्या लगता है मुद्दा? जी 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 जी। मुद्दा यहाँ पे सीता सर जी बतला देंगे सब। अच्छा, सब यही बता देंगे। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहा सीतामढ़ी जी, किस मुद्दे के साथ? कैंडिडेट को नहीं देख रहे हम लोग, मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी ने बात, देश को बचाना है, मोदी को देखना है। तो मोदी जी के नाम पे भी वोटिंग चल रही है, जो प्रत्याशी हैं वो तो मुद्दा नहीं है, चेहरा पीएम का क्या है मुद्दा? क्या मुद्दा हम लोग क्या बोले, मोदी जी क्या है? अच्छा, सीतामढ़ी में चिलचिलाती धूप के बीच मतदाताओं का उत्साह कम होते नहीं दिख रहा है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यह जो रण है, इस रण में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मुकाबला भले ही दिलचस्प हो, कांटे की लड़ाई हो, लेकिन जो मतदाता कतार में खड़े हैं उनके लिए पहले मतदान ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे मुद्दा राष्ट्र का हो या फिर राज्य का। हर मुद्दे के साथ है, अपनी अपनी बात है और मतदान करने के या उत्साह के साथ तो लाइन में खड़े हैं। सहयोगी आकाश के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, सीतामढ़ी।